हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं लेटेस्ट अपडेट लेके आ चुका हूँ एचएसएफ के बारे में। और मैं पहले अपनी बीती हुई बात आपको बताने वाला हूँ कि मेरा भाई भी एचएसएफ के अंदर खेला था, जिसको क्लासिक फिजिक बी कैटेगरी के अंदर, जिसकी फर्स्ट डे टॉप 10 कैटेगरी के अंदर प्लेसमेंट प्लेस आ गई थी। और सेकेंड डे मेरे को नहीं पता कि जी सलाल ने 7 to 8 मेंबर्स कहाँ से ज्वाइन कर लिए। मेरे पास की पूरी वीडियो है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कमेंट करके जरूर बताएं अगर वो आपको नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर चाहिए तो। सेकेंड बात मेरी तरुण गिल के ऊपर रहेगी कि वो एथलीट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप उन लोगों को सपोर्ट करें। कहीं ना कहीं वो गलत थे पहले, पर वो एथलीट्स का साथ दे रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तरुण गिल का साथ देना चाहिए। और जो आजकल के फेक शोज चला रहे हैं नेचुरल के नाम पे, उनका आपको अगेंस्ट जाना चाहिए, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि वहाँ पे कोई भी नेचुरल था। और जो बेचारे लड़के नेचुरल थे वो तो कहीं भी पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए, तो उनके लिए कोई कॉम्पिटिशन नहीं था। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखे, ये कमेंट वीडियो मैं बना रहा हूँ जीत सलाल के लिए और एचएसएफ के लिए, उनकी सच्चाई जानते हैं आप कि भाई साहब उन्हों कैसे जनता का भोले भाले एथलीट्स का सी काट रहे हैं। अब उन्होंने कल एक स्टोरी डाली अपने इंस्टाग्राम पे, बोलते हैं कि भाई अब हमारे पास लिस्ट आ गई है उन लड़कों की कि जिन्होंने हमारे नेचुरल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और वो ड्रग टेस्टेड पॉजिटिव पाए गए कि उन्होंने डोप लिया था। बिकॉज वो कहते हैं कि हम वाडा कंप्लाइंट हैं, वाडा मीन्स वर्ल्ड एंटी डोपिंग एसोसिएशन, उनसे कंप्लाइंट हैं वो। तो जीत भाई जरा होमवर्क करो अपना यार, कुछ तो दिमाग लगाओ, कंपटीशन ऑर्गेनाइज करा रहे हो। वाडा इंडिया में तभी आ सकता है थ्रू नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एसोसिएशन, और ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बॉडी होती है, और आप हो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट कंपटीशन। तो वाडा तो कभी आपके साथ एसोसिएट हो ही नहीं सकता। अगर हो गया है तो मुझे लेटर दिखा दो जरा, बिकॉज आई एम 99% श्योर यू नॉट वाडा अप्रूव्ड। लिख के दे सकता हूँ, तो पहले वो लेटर दिखा देना मुझे कि आप किस बेस पे कह रहे हो आप वाडा कंप्लाइंट हो। हाँ, उनके रूल्स फॉलो कर सकते हो। अगर आप रूल्स भी फॉलो कर रहे हो, मुझे आप बताओ तो जो आपने लड़कों के ब्लड सैंपल्स, यूरिन सैंपल्स लिए, क्या आपने नाडा अप्रूव्ड लैब्स में भेजे? क्या आपको पता है नाडा अप्रूव्ड लैब्स कहाँ पे है? अगर आपने भेजे हैं तो मुझे जरा उसकी भी कॉपी बता दीजिए, बिकॉज आपने बोला है कि भाई साहब अब आप उन्हीं लड़कों के जो ड्रग टेस्टेड पॉजिटिव थे उनको आप एक्सपोज करोगे और फिर उनकी फोटोग्राफ्स लेके अपनी वेबसाइट पे डालोगे वॉल ऑफ शेम में। यार शर्म करो कुछ यार, उन लड़कों ने आपको 20,000 रुपये दिए, 20,000 रुपये देने के बाद आप किस बेस पे टेस्ट कर रहे हो मुझे पहले अब ये बता दो। कोई दुनिया का कोई भी टेस्ट नहीं है नाडा के अलावा जो ये साबित कर दे कि आपके ब्लड में कितना लेवल ऑफ कौन सी ड्रग है। हाँ, आप उनका ब्लड लेवल देख के सिर्फ 2-3 चीज़ें इस्टेब्लिश कर सकते हो, उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल और उनके ब्लड में थोड़ा बहुत क्या है, दैट इज इट। और हाँ, मैं आपको बता दूँ आप किस बेसिस पे कर रहे हो। मुझे पता है कि जिन जिन लड़कों ने आपके बारे में कुछ बोला होगा, वीडियो बनाया होगा ना, आप उनको कर दोगे बैन और उनको डाल दोगे वॉल ऑफ शेम में। सो ये ना ये वाडा नाडा का नाटक करना छोड़ दो भाई साहब, बिकॉज ना आपके पास अथॉरिटी है ना आपके पास रिकग्निशन है। बस आपने कंपटीशन कराना था और लड़कों से पैसे कमाने थे, और कंपटीशन आपका गया डिजास्टर। और आप कहते हो वॉल ऑफ शेम, यू शुड बी इन वॉल ऑफ शेम। आपको पता है डे वन में क्या हुआ, कितने लड़कों की बेइज्जती हुई, क्या क्या किया, मोदी जी पे आपने डाल दिया कि भाई डिले होने का कारण मोदी जी थे। कम ऑन यार जीत यार, आप तो पढ़े लिखे इंसान हो यार, और आप ये वाडा नाडा कंप्लाइंट कर रहे हो यार, डू योर फ्रिगिन होमवर्क ब्रो। ये क्या बकवास कर रहे हो, लड़कों को वॉल ऑफ शेम में डाल दोगे? आई वुड नॉट लेट दैट हैपन। मैं आप वाडा नाडा कर रहे हो ना कि आप वाडा कंप्लाइंट, दिखाओ मुझे लेटर। आपने कहा ना कि आप बताओगे कि किन लोगों ने टेस्ट दिया ब्लड पॉजिटिव थे, आई वॉन्ट टू सी दैट रिपोर्ट। आप रिपोर्ट उनकी पब्लिश करो, मुझे बताओ उन्होंने ये सब्सटेंस लिया और उसमें सब्सटेंस में इतना ग्राम ये था, जो लिस्ट ऑफ बैन सब्सटेंसेज वाडा में थे, दिखाना मुझे, बिकॉज दिस इज ऑल बुलशिट। लोगों को, लड़कों को आपने बदनाम करना है और लड़कों को आपने अपनी वेबसाइट में डालना जो आपके अगेंस्ट बोले थे, ताकि आप बता सको यू नो व्हाट, यू कैन फक विद मी। डोंट डू दैट ब्रो, डोंट डू दैट। जीत आप ये कैसे कर सकते हो यार, हाउ कैन यू डू दिस? एक लड़के का करियर जिंदगी बर्बाद कर देने, क्योंकि उसने आपको 20,000 रुपये देके आपका कॉम्पिटिशन खेला और आपके किसी फर्जी टेस्ट, जो ब्लड टेस्ट आपने कराया है, कोई डोप टेस्ट कराया आपने, जो आपने वाडा कंप्लाइंट कहते हो, वो तो वाडा कंप्लाइंट भी नहीं हो यार, आप तो हो ही नहीं सकते, बिकॉज वो तो गवर्नमेंट बॉडी है। बेसिस उसके आप किसी लड़के की जिंदगी खराब कर दोगे और उसको अपनी वेबसाइट के वॉल ऑफ शेम में डालोगे, दिस इज रॉन्ग, दिस इज लीगली रॉन्ग, एथिकली रॉन्ग, मॉरली रॉन्ग, यू कैन नॉट डू दैट। आप किसी की लाइफ के साथ ऐसे नहीं खेल सकते, वॉल ऑफ शेम में डालोगे उसको आप? आपके पास कोई राइट है किसी की जिंदगी खराब करने का ऐसे, और वो भी किसी एथलीट की जिसने आपको 20,000 रुपये दिए एज अ पार्टिसिपेशन फी? दिस इज रॉन्ग ब्रो, यू शुड नॉट डू दिस। क्या बात है, वाह क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो जीत भाई, क्या बात है। तो मतलब अगर कोई बच्चा स्कूल में फेल होता है तो अब स्कूल वाले क्या करेंगे, वो एक वॉल ऑफ शेम बनाएंगे अपनी वेबसाइट, अपनी स्कूल की वेबसाइट में एक पेज बनाएंगे वॉल ऑफ शेम, और उस बच्चे की फोटो डालेंगे उस पे कि देखो ये बच्चा फेल हुआ है, उसके पर्सनल रिमार्क्स टीचर से, फेल ये क्यों हुआ है, ऑन व्हाट ग्राउंड्स ये फेल हुआ है, और उसको इतना बदनाम कर देंगे कि उसका जो भी मोरल है, जो कॉन्फिडेंस है, बिल्कुल खत्म हो जाए। वाह ये एग्जाम्पल सेट कर रहे हो नेचुरल के काम के लिए, नेचुरल कंपटीशन कह रहे हो, नेचुरल कंपटीशन, एंड दिस इज व्हाट यू डू टू योर फ्रिकिंग एथलीट्स। ये करते हो उनके लिए जो पार्टिसिपेट करते हैं, उनको बदनाम करते हो,
क्या यार, कम ऑन यार, हाउ कुड यू डू दिस? आप ये सोच भी कैसे सकते हो, वॉल ऑफ शेम। तो आप कह रहे हो जीत भाई कि जिस लड़के ने स्टेरॉयड लिए और वो आपके शो में खेले, आप उनकी फोटो आप अपनी वेबसाइट पे डालेंगे और उनको बदनाम करेंगे बाय राइटिंग कि ये लड़के हैं वॉल ऑफ शेम में? क्या बात है। लेकिन एक मुझे बात बताओ, आपने पिछले साल भी कॉम्पिटिशन कराया 2022 में, तो वहां तो आपने कोई वॉल ऑफ शेम नहीं बनाई, ना आपने कोई ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट शेयर करी किसी के साथ। ब्लड टेस्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डोप तो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कराने का, डोपिंग टेस्ट। तो भाई साहब ये क्या झोल लगा रखा है आपने भाई, डोप नेचुरल कॉम्पिटिशन। भाई साहब यू डोंट हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर, मान लो ये बात। अगर है ना इंफ्रास्ट्रक्चर, दिखा दो मुझे अपने सबके रिजल्ट्स कि कैसे, और मैं एक वीडियो डालता हूं भी बताता हूं आपको कैसे एक्चुअल में डोप टेस्ट कराया जाता है और उसके क्या मान्य होते हैं, उसके क्या इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस होती है उसकी। स्टॉप बुलशिटिंग पीपल। तो क्या आपको क्या लगता है कि ये जो हॉल ऑफ शेम है ये क्या होना चाहिए, और हॉल ऑफ शेम किस लिए? ये जो जीत सलाल जी कर रहे हैं कि भाई आपने ड्रग्स लिए, पहली बात तो इनकी कोई बेसिस ही नहीं है, ये कोई बता ही नहीं सकता इंडिया में बिना वाडा या नाडा के कि किसी ने ड्रग्स लिए या नहीं लिए, बिकॉज वही एक ऑथराइज और लिजिटमेट टेस्ट है, उसके बिना तो सारे ब्लड वर्क्स ही हैं। तो आपके पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना आपके पास कोई सिस्टम है बताने के लिए कि कोई नेचुरल है या नहीं है। आप ऑन टॉप ऑफ इट, वो सब कुछ होने के बावजूद आप किसी को कह देते हो कि आप नेचुरल नहीं हो, फिर नेचुरल ना होने के कारण आप उसकी एक अपनी वेबसाइट पे हॉल ऑफ शेम पे उसकी फोटोग्राफ डाल देते हो उस बेचारे बच्चे की कि देखो ये नेचुरल नहीं है, एंड ही दैट्स अ प्राइस ही हैज टू पे। क्या यार, इतना गलत उस एथलीट के लिए, उसने आपको पैसे दिए खेलने के लिए, इस चीज के लिए दिए हैं क्या? सो सिंपल भाषा में समझा देता हूं। तो ये जो HSF या कोई भी क्लेम करता है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन और कहता है कि हम वाडा कंप्लायंट है, हम ये आपका डोप टेस्ट कराएंगे और बताएंगे कि आपने क्या लिया है, देयर ऑल बुलशिटिंग यू। अभी तक ऐसा कोई सिस्टम बना ही नहीं है वाडा के अलावा जो आपका सिस्टम आपकी बॉडी में ये बता दे कि आपने एक्स ड्रग लिया है या वाई ड्रग लिया है। कोई कुछ नहीं बता सकता, सिर्फ एक ही चीज डिटेक्ट हो सकती है आपका ब्लड रिपोर्ट लेके या यूरिन सैंपल लेके, वो है आपने कितना टेस्टोस्टेरोन लिया है। विच मीन्स कि अगर आप टेस्टोस्टेरोन एज एन एनाबॉलिक स्टेरॉयड नहीं लोगे, उसके अलावा कुछ और लोगे, तो आप कभी डिटेक्ट हो नहीं सकते। तो ये काय का नेचुरल कॉम्पिटिशन हुआ यार, और ये क्या, ये वाडा नाडा का क्या नाटक कर रहे हैं जीत सलाल जी, प्लीज यार स्टॉप बुलशिटिंग पीपल। यार जीत भाई, ये वाडा वाले तो नहीं लग रहे मुझे ब्लड टेस्ट लेते, और आपको पता है डोप टेस्ट होता कैसे है? यू इवन नो कि डोप टेस्ट कैसे होता है? ये तो ब्लड टेस्ट ले रहे हैं भाई साहब, क्या है यार, क्या करते हो आप यार, और भोले वाले लड़कों के साथ देखो कैसे ये ब्लड, ये तो सिंपल ब्लड वर्क कर रहे हैं भाई। अब HSF तो खत्म हो गया, अब आप सोचोगे कि यार ये मुद्दा क्यों उठ रहा है दोबारा। ये मुद्दा इसलिए उठ रहा है बिकॉज जीत सलाल ने कल HSF एक्सपो पे एक पोस्ट डाली। उस पोस्ट पे लिखा हुआ था कि भाई डोपिंग रिजल्ट्स अनाउंसिंग शॉर्टली। अब मुझे ये जानने के बाद बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई कि उन्होंने कहा कि जो लोग डोप पॉजिटिव हैं उनका हम वॉल ऑफ शेम में उनकी फोटो डालेंगे। भाई साहब पहले मुझे उनकी रिपोर्ट देखनी है कि आपने किस बेसिस पे डिसाइड किया कि ये ड्रग टेस्टेड पॉजिटिव है, कि ये इन्होंने डोप लिया है। आई वॉन्ट टू सी द रिपोर्ट, और आई एम श्योर आप सबको भी रिपोर्ट देखनी होगी बिकॉज ये उनको वॉल ऑफ शेम में डालेंगे, उनका करियर उस एथलीट का खराब करेंगे, उसको बदनाम करेंगे, प्रमोशन तो कर नहीं सकते, उसकी जिंदगी तबाह करेंगे वॉल ऑफ शेम में डाल के। तो ये बात मुझे बहुत खटकी बिकॉज उनका कोई हक नहीं बनता किसी की जिंदगी बर्बाद करने का। भाई सारे रोटी पानी खा खा रहे, हम ना खा खा रहे रोटी भाई, हमने भूखे प्यास से मरते ही रहे, इसका मतलब देखिए एसी भी बंद हो गया 6 बजे 12 बजे से आ गया भाई, बंद हो गया, बंद हो गया बात है, हमें नहीं सुना, हमें नहीं सुना कुछ, पानी नहीं पी रहा, क्या पुश अप करवा रहे हो यार वहां पे, क्या वो करवा रहे हो भाई तुम, आराम से सुनी नहीं ना भाई, आराम से मैंने सबको बोल दिया, पानी पिया है ना, मैंने पानी नहीं रहा, सबको बोल दिया भाई, भाई पानी नहीं, मेरे को बोल ही नहीं रहा यार यहाँ पे, आपकी जो प्रॉब्लम है 7 दिन से छोड़ रखा है, आराम से सुनो यार, आप लोगों के लिए तो करवा, चलो आराम से, ठीक है भाई, एक सेकंड सारे चुप रहो, आराम से चढ़ा दो स्टेज पे भाई, ऐसा है सुनो, नहीं क्लास एक को चढ़ा दो भाई, सुनो ग्रेट, लेट्स गो बैक टू डोपिंग कंट्रोल एंड स्प्लिट द सैंपल, फैंटास्टिक, okay, good stuff. Firstly then, can I get you to put your sample on that pad? Take a seat, make yourself comfortable, and tell me, let's agree how much we have in here then. From the bottom of the bubble, it's 150 mils. Yeah. If I could ask you to lift that up, and the lid will automatically open. That's it. At this point, you need to wear a pair of gloves. I'll ask you to put those on.
All right, now if I can ask you to remove all the contents from the box, please. You'll be offered a choice of at least 3 sample kits. You should check that the kit has not been tampered with and that the sample bottles within are empty, clean and intact. If you're not happy with the kit selected or they're damaged, then please report this to one of the blue lids and also a white-topped pot, please. Yep. And also check that you're happy that they are sealed and secure. Yep, they look good to me. Also, prior to providing a sample, you need to either wash your hands or wear a pair of gloves. Which would you prefer to do today? I'll wash my hands, thanks. Okay, right, in which case, this way to the bathroom, please. As an athlete, you're in control of the process. Off of the collection vessel there, it'll leave a slightly sticky residue behind. That's it. There's a little tab just in the back of the pot. There you go, peel that all the way around. If you want to open the lid and pull the lid and the collar off. That's it. Great stuff. If you want to rest the pot on the top, you can get yourself sorted out. Alrighty then, once you're happy, we're aiming for 90 mils as a minimum. If you provide less than 90 millilitres, then the DCO will instruct you on the partial sample procedure. The doping control officer and select another kit. So we've got some numbers to check now. On the hinge here is a label, and I'd like you to check that the number here agrees with the number on the lid, the label and the barcode of each bottle. Yeah, looks good to me. If you could pull the drawstring down, the orange drawstring on the plastic, to remove that plastic. The doping control officer will instruct you on dividing the sample between the A and B bottles. Once sealed, you'll be asked to place the bottles into plastic bags and into a polystyrene box. The DCO will check the suitability of the sample for analysis by using a refractometer. If your sample is out of the acceptable range, you'll be requested to provide an additional sample following the same procedures. Okay, now it's for the declaration. You'll be asked to declare any substances, supplements or medication you've taken during the past 7 days. And one more thing guys, मैंने HSF को मैसेज किया, पूछा what about price money, आपने इतना हम लोगों से registration fee लिया, 20,000 मैंने pay किया था, उसके बाद 2,500 tanning का pay किया था, मैंने classic physics का trunk लिया था 1,000 rupees का, men's physics के में था मैं, उसमें मेरा 5th place आया, तो उसमें भी मैंने 3,000 का जो board shot लिया था, मतलब लगभग मेरा total जो costing, flight का ticket, क्योंकि train से इतना दूर travelling करना हार्ड था, तो इसलिए मैंने फ्लाइट लिया था क्योंकि बॉडी अच्छा मतलब टायर्ड नहीं होना चाहिए इसलिए. सो ये सब मेरा लगभग 50,000 to 60,000 मेरा टोटल खर्चा हुआ. तो मैंने पूछा कि व्हाट अबाउट प्राइज मनी, तो जीत सर ने मेरे मैसेज सीन किए और मुझे रिप्लाई नहीं